दीवानगंज के समीप बालमपुर घाटी पर गड्ढे में पहिया आने से पलटा टोस्ट से भरा आयसर ट्रक। रायसेन जिले के दीवानगंज के समीप भोपाल विदिशा स्टेट हाईवे 18 स्थित बालमपुर घाटी पर आए दिन कोई न कोई वाहन दुर्घटनाग्रस्त होकर पलट जाता है। दुर्घटनाओं का मुख्य कारण है कि घाटी पर दोनों साइड में खाली जगह और बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, जिस कारण बालमपुर घाटी पर वाहन पलटने की घटनाएं आए दिन सामने आ रही हैं। इसी क्रम में उज्जैन से जबलपुर टोस्ट भरकर ले जा रहे आयसर ट्रक गड्ढे में पहिया आने के कारण अनियंत्रित होकर पलट गया। हालांकि इस हादसे में किसी को कोई चोट नहीं आई है और एक बड़ी दुर्घटना होते होते बच गई। शनिवार सुबह 11 बजे आयसर ट्रक को क्रेन मशीन की मदद से सीधा किया गया। ट्रक के चालक ने बताया कि उज्जैन से टोस्ट भरकर जबलपुर जा रहे थे। जबलपुर वहीं बालमपुर घाटी उतरते वक्त सामने से आ रही गाड़ी को साइड देने में आयसर ट्रक का पहिया साइड में हो रहे गड्ढे में चला गया, जिससे अनियंत्रित होकर आयसर ट्रक पलट गया। हालांकि हादसे में किसी को कोई चोट नहीं आई है। वहीं ट्रक में टूट फूट हो गई है। मालिक भी और ट्रांसपोर्टर भी क्या हो गया था? ये रोड पे गड्ढा होने के कारण साइड से जो भराव नहीं था, भराव नहीं होने के कारण दो पहिए उतरे, ऐसी कैसी पलटी कर गई। क्या भर के जा रहे थे और कहाँ जा रहे थे? उज्जैन से जबलपुर जा रहा था, इसमें चाय के साथ खाने का टोस्ट था। टोस्ट तो पलटने का कारण गड्ढा है। गड्ढे के कारण जो साइड की जो लगो है सही नहीं है, इस कारण हुआ है।